थ्री रेजिस्टेंस है, ईच ऑफ फोर ओम कनेक्टेड टू फॉर्म ए राइट, एक एक ट्राइंगल बना रहे हैं। तो चलो एक ट्राइंगल बना लो कोई भी, जैसा तुम्हें अच्छा लगे। इसमें बताया नहीं कैसा ट्राइंगल है, बट ये हमें पता है कि ये फोर ओम है और ये भी फोर ओम है बच्चों, और ये भी फोर ओम है, तो ये ट्राइंगल बन गया। तो रेजिस्टेंस बिटवीन द एनी टू टर्मिनल्स मतलब अगर मैं यहाँ से प्लस देता हूँ और यहाँ से माइनस देता हूँ, तो ये दो टर्मिनल के बीच नेट रेजिस्टेंस निकालना प्यारे बच्चों। तो यहाँ से जो भी करंट जाएगी यार, यहाँ से जो भी करंट जाएगी इसमें और इसमें तो सेम रहेगी, तो ये दोनों सीरीज में आ गए, तो और चार और चार आठ हो गया सीरीज में, तो ये सर्किट मुझे ऐसे दिखेगी, ठीक है। ये सर्किट मुझे ऐसे दिखेगी, चार और चार आठ ओम हो गया, और ये फोर ओम पहले से था, और ये यहाँ माइनस लगाए थे और आपने यहाँ प्लस लगाया था। तो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में है तो प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई उनका सम, तो 8 प्लस 4 12 मतलब 8 मल्टीप्लाइड बाई 4 डिवाइडेड बाई 12, तो 4 12 मतलब 8 बाई 3 ओम इज द फाइनल सोल्यूशन अक्रॉस एनी। जब सारे इक्वल है, तो जब सारे इक्वल है, डी ऑप्शन सही है, सारे इक्वल हैं, तो किसी भी दो टर्मिनल के क्रॉस निकालोगे तो सारा इक्वल ही आएगा, सिंपल सी बात है। चलो ए